طب قدیم و جدید چینل میں قانون طب کو ہمیشہ آسان اور مختصر الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے آدھے سر کی درد پر۔ तो ये जो आधे सर की दर्द होती है ये तुलाई हिस्से में होती है, ऐसे तुलाई हिस्सा यानी लंबाई में राइट लेफ्ट दाएं या बाएं होगी, ये अर्ज में नहीं होती। और एक ही किस्म की नहीं है, एलोपैथी के नजदीक दर्द शकीका की एक ही किस्म है, लेकिन कानून तिब के मुताबिक, तिब यूनानी व कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक दर्द शकीका की दो अकसाम है। अगर वो दाएं तरफ है तो उसको हम दर्द असाबा कहेंगे, अगर बाएं तरफ है तो फिर उसको हम दर्द शकीका कहेंगे। अगर दाएं तरफ है तो ये दर्द असाबा है, ये असाबी तहरीक के बढ़ने की वजह से है। और ये सूरज निकलने के साथ शुरू होती है और सारा दिन मुसलसल चलती रहती है और रात को भी हल्की हल्की होती है, खत्म नहीं होती। और दर्द शकीका जो है वो बाएं तरफ होती है और सूरज निकलने के साथ ये शुरू होती है, जब सूरज अपने पूरे जोबन पे आ जाता है तो इसमें तेजी होती है और शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है तो इसमें कमी आकर ये खत्म हो जाती है। दाएं तरफ जो है वो असाबी तहरीक के बढ़ने से और बाएं तरफ जो है वो गुद्दी तहरीक के बढ़ने से, गर्मी की वजह से, जिस्म में हरारत के बढ़ जाने से, सफरा के बढ़ जाने से दर्द का जो है वो सबब है। एक तो तहरीक का इलम होना जरूरी है और दूसरा असबाब मर्जा का इलम होना जरूरी है, और इसके साथ उमूर तिबिया का इलम होगा तो फिर आप सही इलाज कर पाएंगे, वरना नकामी ही नकामी है। तो मोहतरम दोस्तों, दाएं तरफ की जो दर्द है, जिस समय असाबियत ज्यादा, तरी वाली चीजें ज्यादा खाने से, बलगम वाली चीजें ज्यादा खाने से, जब उसका जिस्म में इजाफा हो जाता है, असाबी तहरीक जो है वो जोर पकड़ लेती है, तो लज्जत और हबस जब हबस के मकाम पर होगी तो उसमें पहले सकेड़ होता है और उस सकेड़ और खचाव होता है और उसके बाद दर्द, जब हबस के मकाम पर नबज जाएगी तो फिर दर्द होगा। इसी तरह जब गर्मी बढ़ जाएगी तो दर्द शकीका होगा और वो भी हबस के मकाम पर नबज जाएगी तो दर्द होगा, पहले खचाव होगा, अकड़ाव होगा। ये मदारज मर्स का इलम होना जो है वो जरूरी है। दर्द असाबा जो दाएं तरफ लंबाई में होता है उसके लिए आपने तीन लौंग लेने हैं और इतनी एक दालचीनी लेनी है, उसका कावा बनाएं। कावे का तरीका यह है कि एक ही उबाला आना चाहिए, एक दफा ही उसको उबालें, बार बार उसको उबाल नहीं आने चाहिए, एक ही दफा जो है उसको उबाल आ जाए और चूल्हा बंद कर दें और ऊपर ढक्कन दे दें और उसमें आपने गुड़ डाल लेना है
या फिर शहद डाल लेना है। अगर शहद डालना है तो नीचे उतार कर डाल लें, गुड़ डालना है तो आप उसको भी उबाल सकते हैं। तो दर्द शकीका जो बाएं तरफ होती है उसके लिए छोटी इलायची, सौंफ, जीरा सफेद का कावा, चीनी डाल लें और उसको ठंडा होने दें और उसके बाद आप नोश फरमा लें। ये बात जेन में रखें कि ठंडे से मुराद सिर्फ ठंडा है, यक ठंडा नहीं है। और इसमें 3 अदद छोटी इलायची और 1 छोटी चुटकी सौंफ की और 1 छोटी चुटकी जीरा सफेद की, 1 कप के लिए ये काफी है। और कावे को पीने का जो अंदाज है वो आप ऐसा करें कि आधा कप जो है वो पी लें और आधा जो है 10 मिनट ठहर कर पिएं, या तीसरा हिस्सा पी लें फिर 10 मिनट ठहर कर पिएं फिर 10 मिनट ठहर कर पिएं। इस तरह उसका असर जो है वो ज्यादा बेहतर होगा और फौरी भी होगा। दरअसल कावा जो बताया जाता है आपको फौरी तस्कीन के लिए बताया जाता है, बाकी तो मदारजे मर्ज के मुताबिक ही मदारजे अदविया और मदारजे अग्जिया इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें अगर दर्जे का ध्यान ना रखा जाए, ख्याल ना रखा जाए तो खातर खा फायदा नहीं होता। तो फिर याद कर लें, दाएं तरफ दर्द असाबा है उसके लिए लौंग और दालचीनी का कावा, और बाएं तरफ जो है वो दर्द शिकीका है और उसके लिए छोटी इलायची, सौंफ और जीरा सफेद का कावा इस्तेमाल करना है। और ये आधे सर में होगा और ऐसे लगता है जैसे सर के जो है ना एक पट्टी की तरह एक जो है वो दर्द चल रही होती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके, और बेल आइकान यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। शुक्रिया।